अब इसी तरह लेक्चर नंबर 3 है, राइट द नंबर दैट मैच ईच नेम। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है, काउंटिंग जो है वो वर्ड्स में लिखी हुई, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना, लेकिन वहाँ पे हम लोग करते थे थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस और वंस में, लेकिन यहाँ पे हमने करनी है, इसको कन्वर्ट करना है 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वंस में। ए पार्ट इसका है 65,321, तो 10,000 में 6 आ जाएगा, 60 है ना, 60,000, 60, तो 60 का 6 हम लोग पुट करेंगे 10,000 में, थाउजेंड की जगह पे हम लोग 5 लगाएंगे, 5,000 की वैल्यू क्या है 5, एंड हंड्रेड्स की वैल्यू है 3, तो 100 के नीचे हम 3 पुट कर देंगे, एंड 21, तो 20 टेंस का 22 यानी 2 आएगा, ठीक है, और वंस में हम लोग 1 ही पुट करेंगे। इसी तरह ये बी पार्ट है 10,509, सी पार्ट है 14,041। अब 14,000 है तो 10,000 में आप लोग 1 लिखेंगे, 1,000 में 4 लिखेंगे, ये 14,041, 100 की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 100 के नीचे आप लोग 0 लगाएंगे, 41 तो वो टेंस के नीचे 4 आ जाएगा और वंस में 1 आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है 7,206, इस तरह से ई पार्ट देख लें 36,715, तो 10,000 में 3 आ जाएगा, 36,000, तो 6,000 के नीचे हम लोग लगाएंगे 6, 715, टेंस में 1 आ जाएगा और वंस में 5 आ जाएगा। ये इसी तरह ये सारे क्वेश्चन होते हैं। ये 22,000 का मतलब है कि 22,000, इसमें ना तो 100 की कोई वैल्यू है, ना वंस की है, ना टेंस की है, तो ये 22,000 इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हल होंगे। नीचे भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज हमने सिर्फ 10,000 में लिखनी है, वहाँ पे हम 1,000, 100, टेंस एंड वंस में लिखते थे, यहाँ पे 10,000 में लिखनी है। ये पेज नंबर बच्चों 11, अब इसमें है 71,342, तो इसमें 10,000 कितने हैं, 7 10,000 है, 1 इसमें 1,000 की वैल्यू, 100 की वैल्यू 3 है, टेंस की वैल्यू 4 है और वंस इसमें है 2। इसी तरह ये 56,013, ठीक है, यानी 56,000, इसमें 10,000 की वैल्यू जो है वो 5 है, 1,000 की वैल्यू 6 है, 100 की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी जगह पे आप लोग 0 लिखेंगे, 0 हंड्रेड, ठीक है, यानी 100 की वैल्यू 0 है, और 1 जो है टेंस 1 है और इसमें 1 जो है उसकी वैल्यू 3 है। ये सारा पेज इसी तरह से हल होगा, ये आप लोग अच्छे से कर लेना देख के।